हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हेमंत सोरेन, बताना नाम ठीक बोला कि नहीं बोला, अरेस्टेड हैं। करप्शन चार्जेस एक्सप्लेन्ड ऑन केजरीवाल लल्लू, ईडी इन्वेस्टिगेशन। बापरे क्या चल रहा है, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और भाई लोग, क्या चल रहा है फिर देश में? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बिहार में नीतीश बाबू फिर से फुदक के बीजेपी की गोदी में आ गए। पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम की भद पिट चुकी है, नाक कट चुकी है। और इस बीच ईडी वाले हमारे जब तक रहेगा समोसे में आलू वाले लालू जी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। सुना है लालू जी को अपनी बिटिया के संग बिठाकर ईडी वालों ने 9 घंटे तक उनके साथ केबीसी खेला है। जनता और नेताओं के केबीसी में फर्क ये है कि जनता को करोड़पति बनने के लिए पहले सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जय हो केबीसी। और नेताओं को करोड़पति बनने के बाद जनता करोड़पति बनने के लिए केबीसी में जाने के लिए मरी जाती है। और करोड़पति बनने के बाद नेताओं को अगर कोई जांच एजेंसी बुला ले तो इनकी नानी मर जाती है। और इन दिनों ऐसी ही नानी हमारे कई नेताओं की मरी पड़ी है। ईडी वाले बार बार केजरीवाल जी के पते पर प्रेम पत्र भिजवा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि चचा कभी तो बुलाओ हवेली में, बताओ कब हम तुमसे करें अपने मन की बात। मगर केजरीवाल जी भी कॉलेज की दिलजली हसीना की तरह ईडी की हर चिट्ठी पर लात मार के उसे वापस भेज दे रहे हैं। अच्छा, तो जेल में बंद करो। 4 बार बुलावा मिल चुका है मगर केजरीवाल जी ईडी के साथ केबीसी खेलने को तैयार ही नहीं हो रहे। केबीसी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ईडी के साथ रांची में खेल रहे हैं। ईडी वाले सोरेन जी को हॉट सीट पर तो कई दिनों से बिठाना चाह रहे हैं मगर सोरेन बाबू ईडी के सामने आने से ऐसे लजा रहे थे जैसे नई बहू अपने जेठ से शर्माती है। मगर जिस दौरान ये वीडियो हम बना रहे हैं उस दौरान हेमंत बाबू ईडी के अपने जेठों के सामने पेश हो चुके हैं और हो सकता है जेठ जी उन्हें अपने साथ ले ही जाए। सही पकड़े हैं। मगर इन सबसे हटकर युग पुरुष लालू यादव जी मिसाल बनकर सामने आए। अलग अलग घोटालों में वो आज तक इतनी बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं कि अब तो अगर हफ्ता 10 दिन कोई जांच एजेंसी इन्हें ना बुलाए तो वो खुद ही टहलते टहलते सीबीआई और ईडी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं कि नहीं। क्या बोला ये समझ नहीं आता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली और झारखंड के करंट मुख्यमंत्री तक ये तमाम लोग क्यों ईडी की तरफ से याद किए जा रहे हैं? क्या जैसा परम आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है या फिर इन लोगों ने सच में कुछ ऐसे गुल खिलाए जिसका हिसाब ईडी इनसे लेना चाहती है? तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में, आज के एक घोटाला था लालू का 140 करोड़ नेताओं के खिलाफ मामले क्या है और क्या, जी हाँ, एक बड़ा क्या है, क्या कुछ और बड़े नेताओं की तरह इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखो लगता ही नहीं इतना पैसा होगा। केजरीवाल जी इजाजत दीजिए। तो कोरोना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान, हम बहुत परेशान हो गए, जनता तुमसे परेशान है। जय हिंद, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो भैया सीधी सी बात है, जब भी हम टीवी पर ये सुनते हैं कि फला नेता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो एक सेक्शन की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि ये सरकार की साजिश है। मानो जिसे ईडी बुला रही है वो तो बहुत ही नन्हा मुन्ना बालक जो रेडी से हरी मिर्च को भिंडी समझकर खरीद लेता है, खाली समय में सिर्फ भजन गाता है और रात को अनजाने में हुई गलती के लिए ईश्वर से माफी मांगकर सो जाता है। कम से कम कुछ लोग तो ईडी से न्योता पाने वालों को इतना ही मासूम और इनोसेंट बताते हैं। समय का चुनाव बहुत सोच समझ के ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन मासूमों की थोड़ी कुंडली खंगाल ली जाए। वो कुंडली जो हमने तैयार नहीं की है बल्कि खुद इन महापुरुषों ने अपने कर्मों से बनाई है। तो आइए एक-एक करके उसे खंगालते हैं। कालों में भी पता चले तो बस मामला ये है कि यूपीए सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच बहुत से लोगों से उनकी जमीनें लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी गई। मई 2022 में भी सीबीआई ने इस सो कॉल्ड घोटाले में लालू यादव, उनकी दो बेटियों को, उनकी धर्मपत्नी को और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव समेत 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है जिसे लेकर पटना में ईडी ने लालू परिवार से पूछताछ की है। मगर ये घोटाला है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया गया, आइए इसका सारा गणित आपको समझाते हैं। और ये गणित और भी लोग समझना चाहें तो ये वीडियो उन तक भी जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे घोटाले हैं कि इतना रिसर्च करनी पड़ेगी। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए 1 के टाइम रेल मंत्री रहते देश की बेरोजगारी देखकर लालू जी का दिल बेहद पसीज गया। एक रात वो इमोशनल हो गए। उसी पल उन्होंने डिसाइड किया कि हम देश के हर बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकता हूं तो क्या, कम से कम उन बेचारों का तो भला कर ही सकता हूं जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन है। लालू जी के कोमल हृदय से निकले यही भाव देखते ही देखते पटना के कुछ लोगों तक पहुंच गए। सीबीआई की
नजर में जमीनों के ऐसे 7 सौदे सामने आए हैं जहां लोगों से उनकी जमीन लालू यादव के परिवार वालों के नाम करवा कर उन्हें नौकरी दे दी गई। इस तरह जमीन बेचकर 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तरह नौकरी दी गई। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट पर रखा गया, बाद में रेगुलर कर दिया गया। साल 2008 से 2009 के बीच इन लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरियां दी गई। लालू जी के मन में इन लोगों का भला करने की ऐसी जल्दी थी कि उन्हें नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। इसके लिए न तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही ड्यू प्रोसेस का पालन किया गया। एप्लीकेशन मिलने के सिर्फ 3 दिन के अंदर इन लोगों को नौकरी देकर लालू जी ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहते थे कि सरकार वैकेंसी निकालकर सालों साल तक ज्वाइनिंग नहीं करवाती। आथू आर यू कॉमेडी मी। मगर जैसा कि हर भले इंसान के साथ होता आया है, लालू जी की दिखाई ये भलमन साहत भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और वो घोटाला घोटाला कहकर चिल्लाने लगे। बाद में पता लगा कि इन नौकरियों के बदले पूजनीय रेल मंत्री द्वारा 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26,00,000 रुपए में हड़प ली गई। सर्कल रेट के हिसाब से जिसकी कीमत उस वक्त करीब 4,39,00,000 रुपए थी, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि औने पौने दामों पर ऐसी 3 जमीनें राबड़ी देवी को बेच दी गई। इनमें 2 सौदे फरवरी 2008 में हुए जिनमें 3,000 वर्ग फीट के ऊपर के 2 प्लॉट हैं और तीसरी सेल डीड 2015 की है जिसमें 1,360 वर्ग फीट का 1 प्लॉट था। लेकिन एक सच्चे प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील इंसान की तरह लालू जी ने सब कुछ अपने नाम नहीं किया। हेलो, पत्नी राबड़ी देवी के अलावा 1 सेल डीड उन्होंने अपनी बिटिया के नाम का भी है। 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया जो किसी सदपुरुष ने उन्हें सिर्फ 3,70,000 रुपए में बेच दिया। हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ। 3,70,000 में 80,000 वर्ग फुट जमीन, कहां हो रहे हैं ये सौदे भाई साहब? एक आध जमीन कोई मुझे भी दिलवा दो, इसके बदले किसी रेडियो स्टेशन में आरजे ने सही इंटर्न तो लगवा ही दूंगा। और 4,50,000 रुपए में प्लॉट तो छोड़ो, दिल्ली नोएडा में आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगी, वो भी स्कूटर की। अनुपम खैर सॉरी, इस तरह के टोटल 7 जमीन के सौदे सीबीआई की नजर में आए जिसमें लालू परिवार के लोगों को बेहद सस्ते दामों पर जमीन सारे बेची के सारे और जिन्होंने ये जमीन बेची बाद में उनके परिवार वालों को रेलवे में नौकरियां दे दी गई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि 9,500 वर्ग फीट का एक प्लॉट पहले AK इंफोसिस्टम नाम की कंपनी को बेच दिया गया। बाद में उस कंपनी की सारी एसेट राबड़ी देवी और लालू जी की बेटी ने खरीद ली और बाद में माननीय राबड़ी देवी उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भैया ये कुछ लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं और काम इतने है। इसलिए इसे सीधे तौर पर कॉन्स्पिरेसी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। बाकी लालू परिवार पटना में ईडी के दरबार में इस मामले पर KBC खेल रहा है जहां उन्होंने ईडी के अधिकारियों को अगर अपने जवाबों से संतुष्ट कर दिया तो ठीक है, वरना बच्चन साहब की तरह ईडी वाले कम से कम कंप्यूटर जी से तो नहीं कहेंगे कि लॉक किया जाए, क्योंकि वहां लॉक ही करें और भी लोग हैं। बूझे कि नहीं बूझे? हेलो। ये हमने देखनी आ गई है उसमें। चलिए भैया, लालू जी के बाद अब बात करते हैं उन नेताजी की जिनके नाम का टैटू तो खुद राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी छाती पर गुदवा रखा था। जी हाँ, हंसी भी पूरी रावण जैसी। सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी की। ईडी वाले उन्हें बुलावे भेज कर यही नहीं रहा, मगर केजरीवाल जी ने हर बार मिलने से 4 बार जी हाँ, वो कॉलेज की उस दिलरुबा की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसे दिल जला आशिक बार बार ये कहकर रोकता है कि पिंकी एक बार तो हमारी बात सुन लो पिंकी, बस एक बार पिंकी, फिर दोबारा नहीं रोकेंगे पिंकी। मगर हमारी पिंकी यानी केजरीवाल जी उसे भाव देने को तैयार ही नहीं है। अब केजरीवाल जी को क्यों ईडी वाले बार बार याद करना पड़ेगा, आपको उसकी कहानी भी बता देते हैं। 3 बार के बाद जेल। ये है कि 22 मार्च 2021 को दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्टेट की नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। नई पॉलिसी के बाद सरकार शराब बेचने के काम से पूरी तरह बाहर हो गई। ये सारा काम प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। उस वक्त ये क्लेम किया गया कि नई पॉलिसी के बाद सरकार को हर साल 9,500 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पूरे साल में एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था, इस हद तक ऑक्शन गया हमारा। पहले की पॉलिसी में 60% सरकारी थी और 40% प्राइवेट, मगर नई पॉलिसी के बाद सारा काम बड़े प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में चला गया।
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का दावा है कि नई पॉलिसी से प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जहां पहले L1 लाइसेंस के बाद 25 लाख देने पड़ते थे, नई पॉलिसी के बाद ये फीस बढ़कर 5 करोड़ कर दी गई। इससे हुआ ये कि ज्यादातर छोटे जो ठेकेदार थे वो बिजनेस से आउट हो गए। नई पॉलिसी में थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। डीलर का कमीशन बढ़ाने से सरकार को भारी नुकसान हुआ, उसका रेवेन्यू घटकर सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए हो गया। एजेंसी का इल्जाम है कि बढ़े हुए कमीशन का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जाने लगा। इतना ही नहीं, बाद में शराब के दाम भी बढ़ा दिए गए। ईडी और सीबीआई दोनों ने अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि एक्साइज पॉलिसी में चेंज करके भारी गड़बड़ी की गई है। इससे सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ। बड़े शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया, उनकी लाइसेंस फीस कम करने से लेकर माफ तक कर दी गई। बिना एलजी और कैबिनेट के अप्रूवल के पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई। इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। ये वो पैसा था जो जब्त किया जाना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी शराब और बियर पर 50 रुपए पर केस की छूट दी गई। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शराब कारोबारियों को जो फायदा पहुंचाया गया उसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसके बदले उनसे मोटा कमीशन लिया, ऐसा कहा जा रहा है। और चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया कि ये रकम 300 करोड़ रुपए तक है, जिसे कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने यह पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को इंप्लीमेंट की थी, लेकिन करप्शन के इन चार्जेस के बाद इसे सितंबर 2022 में क्या कर दिया गया राहुल जी? खत्म। इस मामले में मनीष सिसोदिया 11 महीने से जेल में बंद है। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत ली, गैर कानूनी तरीके से शराब कंपनियों को 144 करोड़ की छूट दी गई। जांच में यह भी पता चला कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने 14 फोन और 43 सिम कार्ड भी बदले। इसी तरह के इल्जाम में संजय सिंह भी कुछ महीनों से जेल में बंद है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या इस मामले में केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? तो जवाब ये है कि हाँ, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन एजेंसीज ने पहले घोटाले के सारे ट्रेल का पता किया, पैसा कहाँ से चला, किसके पास से होता हुआ कहाँ पहुंचा, फिर उन लोगों के आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए, फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसों के नाम पहले FIR में आए और फिर चार्जशीट में। अब एजेंसियां केजरीवाल जी से भी पूछताछ करना चाह रही है। ईडी इनको अब तक 4 बार समन भेज चुकी है, मगर वो पेश ही नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने भी ये माना है कि एजेंसियों ने इस मामले में अब तक 338 करोड़ रुपए के घोटालों के सबूत दे दिए हैं। इससे यही लगता है कि जिन भी लोगों के नाम इसमें आए हैं उनके लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अक्सर कहा करते थे कि ये सब मिले हुए हैं जी। और इस शराब घोटाले में जब एजेंसियों ने शराब माफिया से लेकर बीच के डीलर से लेकर नेताओं के लिंक देखे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ हाँ सब मिले हुए हैं जी। सच्ची में इसकी हंसी है क्या? हैं बताना। ईडी से लुका छुपी खेलने वाले बड़े नामों में एक और नाम है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। केजरीवाल जी की तरह वो भी ईडी के अधिकारियों के साथ केबीसी खेलने को तैयार नहीं हो रहे थे। ईडी ने मुलाकात का वक्त मांगने के लिए उन्हें 8 बार लव लेटर लिखा। अभी 29 जनवरी को भी ईडी के अधिकारी उनके दिल्ली वाले घर पर उनसे मिलने गए थे, मगर वहां से भी मिस्टर इंडिया हो गए, बोले तो गायब हो गए। जैसे तैसे वो 31 जनवरी को ईडी वालों से मिलने के लिए तैयार हुए, जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं ईडी वाले सोरेन बाबू से ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहे हैं। सोरेन बाबू ने भी ईडी के अधिकारियों पर SC ST एक्ट के अंडर केस दर्ज करा दिया है। अब देखना यह है कि क्या वो ईडी वालों को अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाते हैं, या फिर ईडी की टीम उन्हें लोहे का कंगन पहनाकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। वैसे सोरेन बाबू ने लालू जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी गिरफ्तारी के बाद अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का पूरा प्लान बना लिया है। हेलो, क्या चल रहा है? सोरेन साहब पर फिलहाल 2 मामले चल रहे हैं। एक मामला अवैध खनन के लीज पट्टे का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरा मामला सेना की एक जमीन का लैंड यूज चेंज करवाकर उसके जरिए जमीन हथियाने का है। मामले की डिटेल में न जाकर आपको इतना बताए देते हैं कि इस मामले में 4 बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें IAS छवि रंजन, IAS पूजा सिंह, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश। इस मामले में जांच एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत है कि इन घोटालों का सीधा कनेक्शन मुख्यमंत्री जी से भी है। जैसा कि हमने बताया, हेमंत सोरेन से एक बार ईडी के अधिकारी 10 घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं। अगली पूछताछ जल्दी हो सकती है और इस बात का पूरा शक है कि वो भी जल्दी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देश के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच की बात। हमने आपको डिटेल में बताया कि इन लोगों पर क्या इल्जाम है। डिटेल में बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप मामले की गहराई को समझ पाएं, साथ ही ये भी समझ पाएं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उतनी भी खाली या बदमाश नहीं होती हैं जितना उन्हें बता दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है,
हो सकता है उठाया जा भी रहा हो, मगर फैक्ट गंदे काम करेंगे तो उठाएंगे। झूठा मामला तो बना नहीं सकती, और कितना झूठा बना लेंगी, उन्हें परेशान भी कर सकती है लेकिन कितना परेशान करेंगी। अल्टीमेटली उन्हें भी अदालत में अपना केस प्रूव ही करना पड़ता है। बताइए अगर गिरफ्तार नेताओं को 10-10 महीनों बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है तो उस केस में कुछ तो मेरिट होगी कि नहीं होगी? जो लोग सरकारी गवाह बनकर गवाही दे रहे हैं तो उन्हें हवा में तो पैदा नहीं किया गया है। हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बस ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बताकर किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश मत करो। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर एजेंसीज का एम सच में करप्शन पर लगाम लगाना है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन राजनीति से पॉलिटिक्स से ऊपर उठनी चाहिए, और करप्ट आदमी किसी भी पार्टी या लाइन का हो उस पर शिकंजा कसना चाहिए। माई गॉड। अच्छा मैं बताती हूँ, ये लालू है ना, ये जब हम छोटे थे तब से है, जब छोटे थे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया था, इसको ये इतनी हाई पोस्ट पे कैसे, छोटी सी थी पर मैं इतनी हैरान कि ये ऐसे लोग बन रहे हैं इतनी हाई पोस्ट में, मेरे तो समझ में नहीं आया। और मैं इसका नाम हमेशा कुछ और बोलती हूँ, हो भी सकता है कभी गलती से मुंह से निकल भी जाता हो वीडियो में, आप बताना कैसे क्या प्रोनाउंस करती हूँ अगर आपने कभी सुना है, पर कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ना मेरे को लगता ही है कि नाम यही है, वो तो अभी भी मेरे मुंह से निकल जाता है और कई बार ही ये करेक्ट करते हैं कि ये नाम नहीं, मैंने कहा मैं बचपन से मुझे लगता ही था नाम यही है, पर देख लो कितने घटिया। ये सब इतने डिटेल्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उनके अगेंस्ट केसेस हैं, ऑपोजिशन वाले ये बोलेंगे बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, प्रूफ हैं, एलिगेशंस हैं, इन्होंने बहुत चोरियां की हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं ये, और करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट अब गवर्नमेंट कार्य कर रही है, और आई होप कि सब कुछ जो ये डिजर्व करते हैं मिले, इनको वही मिले। बिल्कुल, और शक्लों से अगर आप देखो तो कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह से ये लोग ड्रेसअप होते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग सकता कि इतनी सिंपली ड्रेसअप की भैया, और अंदर से ऐसे, मतलब किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। करप्ट अगर लीडर हो तो ऑब्वियसली पूरी सिटी का सत्यानाश होगा, पूरी कंट्री का, जो जिस जिस एरिया को स्टेट को संभालते हैं, जो भी चीज संभालते हैं ऑब्वियसली उसको पूरे चीज का इतना खा रहे हैं, कोई थोड़ा खा लेता है, इनका तो ऐसा पेट है जो कभी भर ही नहीं रहा, खाना नहीं चाहिए देश। वही तो कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ऐसा पेट है कि ऐसा हो कि खाते ही जा रहे, भूख ही नहीं मिट रही इनकी, करोड़ों करोड़ों हजार करोड़, बाप रे, सुन के हमें हैरानी होती है कि ये चल क्या रहा है। इनपे इन्वेस्टिगेशन तो मैं कह रही हूँ जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होके जल्दी होके पूरा होना चाहिए, और बुलाया जा रहा है, ईडी बुला रही है, आ ही नहीं रहे हैं, एक बंदा 8 बारी बुला चुके हैं वो नहीं आया, केजरीवाल 3-4 बारी, कुछ तो होना, एग्जैक्टली कोई लॉ होना चाहिए, 3 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, टाइम करिए उसके बाद फिर आपके 3 शुड बी मैक्सिमम, अरेस्ट वारंट आ जाएगा, अरेस्ट वारंट में फिर आपके पीछे जाएंगे, आप पकड़ के जाएंगे, 3 होना चाहिए, 3 बारी बुला लिया, तीसरा इज द लास्ट वन, और उसके बाद तुम्हारे करना पड़ेगा, ये क्या सिस्टम है यार। और फिर तुम जेल में चले गए, तुम अपनी बीवी को पोस्ट देके चले जाते हो, क्या कोई खानदानी वो है, तुम चले गए, नहीं तुम चले गए खत्म, फिर उसके बाद गवर्नमेंट तब तक टेक ओवर करे, और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे और फिर डिसाइड होगा। मैं तो सिस्टम ही देख देख के हैरान हो जाती हूँ, यही क्या बात हुई यार। चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।